जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोग कभी ना कभी तो मेट्रो में चढ़े ही होंगे, या मेट्रो में नहीं चढ़े होंगे तो किसी बड़े मॉल में गए होंगे, या आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे। वहां पे आपको ऑटोमेटिक एक सीढ़ी मिलता है जिस पे आप चढ़ते हैं तो आपको दूसरे फ्लोर पे वो छोड़ देता है, साइड में पट्टा लगा रहता है, वो सीढ़ी ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप चल के दूसरे फ्लोर पे आपको पहुंचा देता है। तो इस तरह की सीढ़ी को एक्सेलेटर कहा जाता है, और एक्सेलेटर के दोनों साइड में इस तरह की ब्रश लगी हुई रहती है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह की कुछ ब्रश लगी रहती है जो सभी एक्सेलेटर जैसे सीढ़ियों में लगी रहती है। तो आखिर इस ब्रश का एक्सेलेटर जैसी सीढ़ियों में क्या काम है? लोग अक्सर जब इस पे चढ़ते हैं तो अपना जूता और चप्पल इस ब्रश के द्वारा साफ करने लगते हैं, कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर घुमाते हैं और उस ब्रश से अपना जूता और चप्पल साफ करते हैं। तो क्या लोगों के जूते और चप्पल साफ करने के लिए वो ब्रश लगाया गया? उसका एक्चुअल में क्या काम है, क्या कारण है कि एक्सेलेटर जैसे सीढ़ियों में ये ब्रश लगाया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप एक्सेलेटर में जो ये ब्रश लगे हुए देखते हैं, ये जूता और चप्पल साफ करने के लिए नहीं लगा रहता है। इसका मेन काम होता है कि जो साइड होता है और जो साइड का जो वाल होता है उसके बीच में जो गैप होती है उसको छिपाने के लिए ये ब्रश का यूज किया जाता है। एक्सेलेटर की जो सीढ़ी होती है जिस पे हम चढ़ के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हैं, उसके बीच और एक्सेलेटर की जो दीवार होती है जिस पे पट्टा लगा हुआ रहता है जिसे हम पकड़ते हैं, उन दोनों के बीच में नीचे लगभग हाफ इंची की गैप होती है। उस गैप को छिपाने के लिए ब्रश का यूज किया जाता है। केवल ये गैप ही नहीं छिपाता है, वो गैप के छिपाने के साथ ये ब्रश बहुत ही कारीगर साबित होता है। अगर कोई यात्री उस पे चढ़कर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहा है, अगर वो जूता पहना है और जूते की फीते बड़े हैं तो उस गैप के अंदर वो फीते ना चले जाएं और उसमें फंस ना जाए। अगर वो उसमें फंस जाता है तो एक्सेलेटर मशीन को भी नुकसान पहुँचेगी और साथ में उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुँच सकता है, वो गिर सकता है, चोटिल हो सकता है। इसके अलावा कोई महिला या कोई लड़की अगर चढ़ है, वो दुपट्टा डाल रखी है, अगर दुपट्टा उस गैप के अंदर चला जाता है तो उसमें भी उस मशीन को नुकसान होगा और उस महिला को भी चोट पहुंच सकता है। तो एक तरह से वो केवल गैप को छुपाने के लिए ही ब्रश नहीं लगाया गया है, जो भी यात्री उस पे चढ़ते हैं वो किसी तरह के नुकसान उन्हें ना पहुंचे, किसी तरह से वो चोटिल ना हो या उनका कोई ऐसा सामान जो उसमें गिर ना जाए उससे बचाने के लिए वो ब्रश का यूज लगाया गया है। ये ब्रश जो होता है, अगर कोई छोटा मोटा सामान आपके पॉकेट से गिर जाता है या आपके हाथ से छूट जाता है तो उस ब्रश से डाइवर्ट होकर जो स्टेयर्स होता है उस पर आके अड़ जाता है। स्टेयर्स का मतलब होता है जिस पे हम लोग चढ़ के खड़े होते हैं, आम भाषा में हम इसे सीढ़ी कर सकते हैं, सीढ़ी कह सकते हैं या पौड़ी भी बोल सकते हैं। तो जिस पर हम लोग चढ़कर खड़े होते हैं वो स्टेयर्स होता है। तो अगर कोई सामान आपका गिरता है तो उस गैप में ना जाकर उस सीढ़ी पर यानी उस स्टेयर्स पे रुक जाएगा उस ब्रश से टकराकर, और अगर ज्यादा वो सामान छोटा है तो ऊपर जाते जाते वो स्टेयर से और जो वो फ्लोर होता है जिसके अंदर स्टेयर्स अंदर एंट्री करता है वहां पे टकरा के वो सामान टूट सकती है। अगर कुछ ज्यादा बड़ा है तो उछाल मार के ऊपर के फर्श पे जा सकता है। तो इस तरह दोस्तों ये जो एक्सेलेटर में लगी हुई जो ब्रश होती है वो लोगों को एक्सीडेंट से बचाने की भी काम करती है, साथ में एक्सेलेटर मशीन को सुरक्षा प्रदान भी करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलेटर सीढ़ी में ये जो ब्रश होता है ये जूता चप्पल साफ करने के लिए नहीं होता है, किस काम के लिए होता है ये आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।